अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। और ये है मेरा बेबी जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, सो नहीं रहा है। तो ये रेडी होके सो गया और हम जा रहे हैं फहद के घर। अगर ये सोया हुआ है तो हम इसको सोते हुए छोड़ के चले जाएँगे बाहर से लॉक लगा के। तो देखो अगर ये उठ जाएगा तो फिर साथ चला जाएगा, तो सो रहा है मेरे ख्याल से। तो आप बताएंगे गाजियन सोया हुआ या उठा हुआ। अगर इसने स्माइल पास की तो फिर ये सो रहा होगा। देखते हैं अब ये स्माइल पास करता है तो स्माइल कर रहा है। गाजियन आप तो स्माइल कर रहे, इसका मतलब आप नहीं सो रहे। सोते हुए तो कोई स्माइल नहीं करता। तो ये है मेरी आज की ड्रेसिंग, ये कॉटन और ये ड्रेस है मेरी सिंपल सी ही। मैं लाइक करती हूँ, ये मैंने ली थी फोर्ट्रेस से। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये साइडों पे इसका थोड़ा सा ये डिज़ाइन है। और ये है इसका ट्राउज़र, काफ़ी भी छोटा थोड़ा सा ट्राउज़र इसका बेल शेप में बना हुआ है। और ये है इसका दुपट्टा। और ये है मेरे मेकअप की चीज़ें, सिंपल बस ये करूँगी क्योंकि गर्मी है तो इस लिहाज से बस इतना सा मेरा है बस। बैंगल्स ये मैंने ऑलरेडी पहन ली है। और ये मेरी कैचर इसके साथ। बेबी नहीं करो, जाने लगे। क्या हुआ बेबी? ये क्या, चलो थैंक यू बोला है आंटी को। वो गाजियन को मिली है ईद नीचे वालों से। कहाँ जा रहे हो आप लोग? इधर देखो मेरी तरफ। वाओ ये पानी कहाँ से आ गया? तो आप मेरे साथ साथ रहो ना। रिक्शा मिल गया, अब हम रिक्शे में बैठ गए हैं। चलो आगे तो चलो आगे हो, चलो इधर बैठोगे आप। इनको नज़र आ गई कैमल। बेबी कैमल कहाँ है? वो है तो हमने थोड़ा करीब भी जाना था, इस वजह से मैं चिंची में ही आ गई। चलो बेबी अब आ गया मेरी सिस्टर का घर। उन्होंने भी आज कुर्बानी की है। बेबी ध्यान से, बेबी ध्यान से। तो बस ये आ गया मेरी सिस्टर का घर। बेबी चलती आओ ना, जल्दी 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 जल्दी। चलो बेल दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, पाँव धोई जाए। आती हैं आपकी शरारतें शुरू हो गई हैं। और ये काइना ले रही है झूले। झूले हाय काइना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप इसको झूले दे रही हो? और बेबी आप? तो अभी तक इनका यही काम चल रहा है। ये कब ख़त्म होगा?
तो ये लाइन दोनों सो रहे हैं, ये है लाइन, ये लाइन बने हुए हैं। बेबी नहीं ऐसे मारते थोड़ी है भाई, नहीं गाजियान रस्सी नहीं बांधी इस लाइन को। तो ये कर रहे हैं फुल मस्ती, बेबी नहीं ऐसे बाल छोड़ो उसके। ये है रूम आपी का, ये जो बड़ी आपी हैं वो कर रही हैं कुकिंग। अब ये इन्होंने सब चीज़ें गोश्त में डाल के रख दी हैं, प्याज अदरक लहसुन मिर्च, और इसको प्रेशर लगा दे तो इजी ना हो जाता आपी। और प्रेशर वाला खाना अच्छा है, प्रेशर वाला खाना अच्छा नहीं लगता तो रबड़ की स्मेल आ जाती है। अच्छा रबड़ की स्मेल आती है कि इस तरह पर मैं कह रही थी कि इजी हो जाता आपके लिए थोड़ा सा। सही है ठीक है। तो ये कितनी देर तक रेडी हो जाएगा? तो आपको तो हम अभी दे देते हैं। नहीं नहीं ये कच्चा मैं नहीं खा सकती ना, मैक्सिमम एक घंटे तक। एक घंटे तक चलें ठीक है, हम एक घंटे के बाद आपके पास किचन में आते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये प्याज कट हो रहे हैं, तो अब ये किस चीज़ में काम आएगा ये जो आप ग्राइंड कर रहे हैं? अच्छा ये लादा से मटन के लिए रेडी हो रहा है। हम इतने पीते हैं कोक, कोक पे गुजारा करते हैं। ये अलग किस्म का पेस्ट बनाओ यार, ये आपका बोल ही पता चलता है, कोई बता नहीं चलता साथ में, सब कुछ पता चल। जल्दी जल्दी करो मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम वेरी हंग्री। आप क्या कर रही हो? बस आपको पानी जहाँ नज़र आता है पानी के पास आ जाती हो। चलो अंदर जाओ, गो गो। अलीम अबू के पास है। ओए रूहानी मुबारक कह रहा है, मारो जरा इसको अबू। ये है रूहान के नाना अबू। चाय अब क्या, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कुछ अम्मी को मिस कर रहे हैं, थोड़े से अपसेट हैं अभी, सोच में है। यखनी पुलाव के लिए अब बनेगा पुलाव, अब इसको ये भी रेडी होना है। यही है कैंडीज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिरयानी के लिए रेडी, छः पैकेट हम इसमें बिरयानी, ढाई किलो चावल है, ढाई किलो चावलों में हम कितने पैकेट डाल रहे हैं बिरयानी के? छः पैकेट डाल रहे हैं। तो आप बताएं ये मिनी पैकेट है, मिनी पैकेट है। अच्छा चलें ठीक है, ये चावल रेडी हो रहे हैं। वालेकुम काइना, तो हम जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए, ये है ऊपर वाला पोर्शन और अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं? ये है मेरी आपिका, क्या कह रहे थे आप लोग? तो यह है मेरी आपकी ऊपर वाला रूम। गाजियान जी, ये ड्रेसिंग और ये बेड, क्लॉक, और ये है इसकी छत। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा रूम है ऊपर वाला। ये है वॉशरूम,
बाहर आओ जी। अब आप लोग ऊपर आ गए, मुझे बार बार आपको देखने के लिए ऊपर आना पड़ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो नीचे मेरा बेटा, ये है मेरी आपकी का नीचे वाला पोर्शन, ये है एंट्रेंस और ये उन्होंने ये लगाए हुए हैं। और ये आप ये बाय यहाँ पे टंगाते हैं, ये बाय रैक है। और ये है नीचे वाला रूम, ये कर्टन्स माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। अल्लाह ताला मुझे जब अपना घर देंगे तो मैं भी ऐसे ही इसको डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनको घर की खुशियाँ दे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है और इन्होंने डेकोरेट भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। और इधर है स्टोर रूम के अंदर, अभी काफ़ी ज़्यादा सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये नीचे वाला रूम है, नीचे भी LCD है, एक कूलर है और ये बाहर का एक रूम गेट है। प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आए हुए अपनी खाला की तरफ, हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कर दें, मांगो दुआ हमें भी जी, हमें भी ऐसा घर दें, बड़ा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ज़रूर देंगे।